दोस्तों आज मैं आपको इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के स्टॉक का एनालिसिस करके दूंगा और कंप्लीटली ये बताऊंगा कि इस स्टॉक में आपको कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना चाहिए, साथ ही साथ इसमें क्या न्यूज़ चल रही है और टेक्निकल्स भी इसके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया बुल रियल इस्टेट लिमिटेड के इस स्टॉक की, तो करेंट में प्राइस 117.80 रुपये के आसपास चल रहा है। इंट्राडे में थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। दरअसल इसका कोई न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं है, ओवरऑल निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही जिसके कारण इंट्राडे में इस स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अगर लास्ट 5 डेज में हम बात करें इस स्टॉक के प्राइस की, तो लगभग 100 रुपए से लगातार इस स्टॉक में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिला है और 125 रुपए के आसपास से इसमें थोड़ा बहुत इंटरडे के अंदर आज कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यह प्रॉफिट बुकिंग नहीं दोस्तों, ये एक टिप आपके लिए मौका है और ये एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें बहुत सारी न्यूज अभी चल रही है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी कट को लेकर हो और तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने की बात हो, जिसमें अभी वित्त मंत्री ने क्लियर कट कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर काफी तेजी के साथ बूम होने वाला है। सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों, यहाँ पे हॉट ट्रिक्स की कुछ न्यूज आ रही है, इनको अगर आप देखेंगे तो हॉट स्टॉक इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, NMDC और ओरिएंट सीमेंट में शॉर्ट टर्म में हो सकती 14% तक की कमाई, कुछ इस तरीके से। और भी डिटेल है नीचे, तो इस वीडियो में मैं मेन यही था कि ये जो सारी चीज़ें हैं इस तरीके से न्यूज़ अभी आ रही हैं, तो इन सारे सेक्टर्स को दोस्तों आने वाले टाइम पे चल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं स्टॉक के प्राइस को, देखते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को चार्ट में बाइंग एंड सेलिंग का प्रयास करना चाहिए। देखिए पहला इसके पास सपोर्ट जो आता है वो करीब 110 रुपए के आसपास है, तो इस 110 रुपए के स्टॉप लॉस को आप लोग लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर आपका व्यू लंबा है तो फिर आप 85 से 90 रुपए के स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। करंट में यहाँ पे बाइंग के लिए काफी अच्छी जगह है, इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना काफी अच्छा आपको बेनिफिट दिला सकता है। मेन रीजन ये है दोस्तों कि इसका जो पहला टारगेट है वो करीब करीब 200 रुपए का है और 200 रुपए से ये निकलते ही एक रॉकेट की तरह करीब करीब जाएगा 280 और 300 रुपए के लिए, यानी आपका पैसा सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर ही 2 से 3 गुना होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये वीकली वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन बना हुआ है, काफी अच्छा ऊपर से यहाँ पे नीचे से अब सपोर्ट दिख रहा है, जो कि इस स्टॉक में आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो इसके नीचे काफ़ी अच्छे सपोर्ट हैं और ये ट्रेंड लाइन का एक जो यहाँ पे रिएक्शन चल रहा था ओवरऑल, अब ये कंप्लीट होने वाला है और इसमें एक अच्छा मौका है। जबकि इतने वेरिएबल प्राइस में इस एक लिक्विडिटी वाले स्टॉक को आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, इस स्टॉक में फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एनालिसिस मैंने किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली और टेक्निकली चार्ट इसका बना हुआ है करंट में, और इंट्राडे में ये जो आपको एक 3 से 4 रुपए का गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 3 से 4 महीने भी होल्ड किए इस स्टॉक को तो ट्रस्ट मी इसमें आप पैसा बना के ही जाएंगे, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो करंट में इसका स्टॉप लॉस 110 का है, नीचे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो 85 से 90 रुपीज का लगा सकते हैं। टारगेट आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जो कि 200 और लगभग 280 रुपए तक का टारगेट ये आपको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन इंट्राडे में अगर और कम आपका यहाँ पे टाइम पीरियड है तो भी आपको बेनिफिट इस स्टॉक में मिलने वाला है। दोस्तों आने वाले समय में रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी तेजी के साथ बूम होने वाला है और इस स्टॉक में आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। चार्ट में मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दिया है, प्राइस के बिहेवियर के बारे में बता दिया हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहे कि आप लोग इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपको स्टॉक का आपका स्टॉक का एनालिसिस मिलते रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जो भी मैं स्टॉक एनालिसिस पोस्ट करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और उसका बेनिफिट आप सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।